नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जालौन से बड़ी खबर आपको बताएंगे। कोतवाली माधवगढ़ आगामी पर्व होली के मद्देनजर शांति समिति पीस कमेटी की बैठक राधिका गार्डन माधवगढ़ में संपन्न हुई। माधवगढ़ के राधिका गार्डन में शांति समिति की बैठक संपन्न की गई। शांति समिति की बैठक उप जिलाधिकारी अंगद यादव एवं क्षेत्राधिकारी रविंद्र गौतम के नेतृत्व में संपन्न की गई, जिसमें उन्होंने कहा आगामी होली का त्यौहार शांति एवं सद्भावना के साथ मनाया जाए। कोई भी नशे की हालत में किसी के ऊपर जबरदस्ती रंग न लगाए, किसी से उपद्रव करें, किसी भी तरह की अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अराजकता एवं माहौल खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। होली का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है, इसलिए सभी से कहना है कि होली का त्यौहार भाईचारे से ही मनाएं। इस मौके पर मौजूद रहे कोतवाली इंस्पेक्टर अजय ब्रह्म तिवारी, कस्बा इंचार्ज जितेंद्र सहित समस्त एसएसआई पुलिस बल मौजूद रहा एवं नगर के संभ्रांत व्यक्ति सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जालौन से संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। आगे मैं आपसे डॉक्टर हूँ।